गाइज वेलकम टू माई चैनल। सो सुबह मैं 7 बजे उठ गई थी, थोड़ा लेट उठी थी क्योंकि उसके एक दिन पहले मैं लेट सोई थी एंड 7:30 को मैं आ गई थी अपने डेस्क पे। तो सबसे पहले मैंने टास्क नोट इन किया एंड अब से मैं कोई टाइम टेबल फॉलो नहीं करूँगी। जैसे कि मैंने कहा था कि मुझे अपने मेंटर के साथ डिस्कशन करना है एंड देन टाइम टेबल बनाना है। सो इन डिस्कशन वी कंक्लूडेड दैट कि मैं टास्क के हिसाब से चलूँगी। सो मैंने अपने टास्क डिसाइडेड कर लिए, जैसे कि मुझे 4 लेक्चर्स करने थे एंड एक सेल्फ स्टडी वाला स्लॉट था। बट बाद में मैंने DPP भी सॉल्व की थी। सेल्फ स्टडी वाले स्लॉट में मैंने पहले तो सिर्फ नोट्स रीडिंग एंड NCERT रीडिंग ही किया था, बट बाद में मैंने DPP भी ऐड कर लिया था। सो सबसे पहले मैंने नोट्स रीडिंग के साथ स्टार्टअप किया एंड नोट्स रीडिंग के लिए मुझे लिटरली 1 आवर लग गया था, क्योंकि ये जो चैप्टर चल रहा है ना अभी बॉटनी में, वो थोड़ा सा मुझे समझने में टफ जा रहा है, स्पेसिफिकली वो DNA का स्ट्रक्चर एंड ऑल। सो उसके लिए मैंने उसे बहुत ज़्यादा टाइम देके पढ़ा एंड 2 बार नोट्स पढ़ी थी मैंने। सो इट टुक मी 1 आवर एंड देन उसके बाद मैं पढ़ रही थी NCERT एंड NCERT पढ़ने में मुझे अराउंड 1 आवर ही लग गया था, मतलब अराउंड 2 आवर्स में मैंने अपना सेल्फ स्टडी वाला स्लॉट एंड अप किया था। वैसे ये वीडियो मैंने काफ़ी पहले ही रिकॉर्ड कर लिया था एंड मैंने वॉइस नोट भी काफ़ी पहले ही दे दिया था, लेकिन ड्यू टू सम इशू मैं पोस्ट नहीं कर पाई थी तो अभी मैं इसको पोस्ट कर रही हूँ। वैसे इस वाले व्लॉग में मैंने यूनिक इवेंट नहीं किया है एंड नेक्स्ट 2 to 3 व्लॉग्स में मैं यूनिक इवेंट नहीं करने वाली हूँ। उसका रीज़न इज़ मैं अब डायरेक्ट Q&A वाला वीडियो अपलोड करूँगी एंड उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर भी दूंगी। सो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछना मत भूलना गाइस। बाय द वे कुछ कमेंट करो या ना करो, लेकिन NTA के लिए 2 शब्द जरूर लिख देना। सो लास्ट क्लिप में मैं कर रही थी विपिन सर का लेक्चर एंड विपिन सर का लेक्चर करने में मुझे अराउंड 1 आवर एंड 30 मिनट्स लगे थे एंड देन उसके बाद मैं कर रही थी फिजिक्स का लेक्चर अराउंड 1 आवर एंड 43 मिनट्स का था, जो मैंने 2 आवर्स में कम्प्लीट किया था, क्योंकि ये लेक्चर फर्स्ट लेक्चर था और न्यू चैप्टर का एंड इसमें पिछले चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस भी थी। सो क्वेश्चन की वजह से ये लेक्चर मेरा थोड़ा लेट हुआ था। मैनी ऑफ यू गाइज आस्क मी कि मैं क्वेश्चन लिखती हूँ या नहीं लिखती हूँ। सो मैं क्वेश्चन लिखती हूँ अपनी नोट्स में एंड जो PYQs होते हैं वो जनरली मैं नहीं लिखती हूँ, क्योंकि PYQs में PYQ बुक से लगा लेती हूँ। बट जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं जो टीचर लिख के देते हैं वो मैं लिखती हूँ एंड सारे सब्जेक्ट्स के लिखती हूँ, लाइक बॉटनी हो, जूलॉजी हो या फिर फिजिकल केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, सारे क्वेश्चंस मैं लिखती हूँ एंड जब नोट्स रीडिंग कर रही होती हूँ तभी मैं उनको साइड बाय साइड सॉल्व भी कर लेती हूँ। सो MR सर का लेक्चर करने के बाद मैं कर रही थी बॉटनी का लेक्चर। ये लेक्चर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का 7th लेक्चर था एंड इस लेक्चर को करने में मुझे 1 आवर एंड 30 मिनट्स लगे थे। साइड बाय साइड नोट्स भी निकाल रही थी मैं। वैसे 67 स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स एंड उनमें से 2 स्टूडेंट्स PW के भी है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम एंड जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है एंड दे आर थिंकिंग टू टेक अ ड्रॉप, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू जर्नी गाइज। बाकी जो 2025 के फ्रेशर एस्पिरेंट्स है वो तो डरे हुए हैं, क्योंकि ऑलरेडी डर रहे थे कि नेक्स्ट ईयर हमारी ही नीट है एंड अब रिजल्ट भी ऐसा आ गया है, लाइक मैनी ऑफ देम आर थिंकिंग कि वो स्ट्रीम ही चेंज कर ले। एंड ये जो ख्याल है वो मेरे मन में भी एक बार आया था कि मैं स्ट्रीम ही चेंज कर लूँ, बट देन आई वॉज लाइक नहीं यार, पढ़ते रहना है, जो होगा तब देखा जाएगा। बट नीट 2025 तो अटेम्प्ट करना ही है एंड काफ़ी सारी अफवाह भी उठ रही है कि पेपर लीक हुआ था। अब पता नहीं कि पेपर लीक हुआ था या फिर नहीं, बट लेट्स होप फॉर गुड गाइज। सो बॉटनी का लेक्चर करने के बाद मैं कर रही थी DPP एंड DPP में मेरा स्कोर था 35 आउट ऑफ 40। उसके बाद मैं कर रही थी फिजिकल केमिस्ट्री का लेक्चर मैंने 1 आवर एंड 45 मिनट्स में कंप्लीट कर लिया था एंड नोट्स में मैं साथ ही साथ बना रही थी। सो इवनिंग की 8:40 को मेरा डे एंड अप हो गया था। By the way guys, if you haven't joined my Telegram channel, you can join it from the link given in description, जहाँ पे मैं अपने चैनल के अपडेट्स देती रहती हूँ एंड काफ़ी सारी चीज़ें भी शेयर करती हूँ, वहाँ पे आप डिस्कशन भी कर सकते हो। सो join my Telegram channel from link given in description. सो माई
टोटल स्टडी टाइम वॉज 8 hours and 31 minutes एंड या दैट वॉज इट फॉर टुडे गाइज. मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब.